शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। You are my best, best, best friend. Okay, okay, okay. दारू वारू शराब वराब सब कुछ बंद। अरे लो, अपनी गाड़ी आ गई। जय, कल तुम्हारा नशा उतरने के बाद तुम अपना प्रॉमिस तो नहीं भूलोगे ना? तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तो तुम्हारा यकीन ठीक है, दो चाबी। तो आज गाड़ी मैं चलाऊंगी, प्लीज, सिर्फ आज। सीधा, यू डोंट ट्रस्ट मी। ऑफ कोर्स नॉट, आई ट्रस्ट यू। ये लो बाबा। पर यू नो अनीता, हाँ, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। आज से जय मेहता एक नई जिंदगी शुरू करेगा। पापा तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हो जाएंगे। सब तुम्हारी वजह से अनीता, रियली यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। संभालो। वो, 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 वो। संभालो, क्या कर रहे हो तुम? सॉरी सॉरी सॉरी। जय, जय तुम गलत ट्रैक पे आ गए हो। जय, वो जय। Now we're on the right track. तुमने एक देवदास को तो मरने से बचा लिया। Because I'm gonna live a new life. Anita! Anita! सो जाओ, सो जाओ। राजा रानी था। आई नो बेटे। और टिया? उसे डॉक्टर होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक होश में नहीं है। मुझे उसके पास ले जाओ। Oh.
डॉक्टर साहब जी, क्या हो गया टिया को? सब ठीक हो जाएगा। बोलते क्यों नहीं है? मिसेस शर्मा, देखिए आप चिंता मत करिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ पेशेंट को? देखिए मिसेस शर्मा, इस किस्म के केस में कुछ नहीं कहा जा सकता है। आई विल बी कॉलिंग अदर न्यूरोसर्जन फॉर देयर एक्सपर्ट ओपिनियन। आप पैसों का बंदोबस्त करके रखिए, हो सकता है कि ऑपरेशन भी करना। मैं कहता हूं डॉक्टर साहब, आप पैसों की बिल्कुल परवाह मत कीजिए, जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा, सिर्फ ये लड़के की जान बचनी चाहिए, दैट्स इट। ये कौन है? ये मिस्टर मेहता है, आपकी बेटी का एक्सीडेंट इन्हीं के बेटे की कार के साथ हुआ था। मिस्टर मेहता, आप मेरे साथ आइए, बहुत सी फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, प्लीज कम ऑन, हरी अप, कम ऑन, कम कम। डॉक्टर साहब, देखिए हम पेशेंट को 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और आगे का ट्रीटमेंट की बात भी डिसाइड किया जाएगा। माजी, माजी, मैं हूं आपका गुनहगार। ये गलती मुझसे हुई है माजी, मैं पूरी तरह से अपने होश आवाज में नहीं था। उस रात मैंने शराब पी ली थी, इसलिए जब राज की गाड़ी में आप जितना मारना चाहती है मुझे मारी, जो सजा देना चाहती है दीजिए, मेरी लापरवाही की वजह से मेरी दोस्त अनीता बहुत कहा था उसने मुझे, गाड़ी वो चलाएगी, अगर अगर मैं उसकी बात मान लेता तो आज राज की मौत। सिर्फ राज ही नहीं, तुमने अपने गाड़ी के पहिए के नीचे राज को नहीं, मेरे पूरे परिवार को कुचल दिया है। मेरी बेटी अभी अभी उसकी जिंदगी शुरू हुई थी और तुमने एक ही पल में उसे विधवा कर दिया है। तुमने उसका बच्चा माँ के लिए तड़प रहा है, अरे अभी तो बाप का हाथ पकड़ के चलना भी नहीं सीखा था और तुमने तुमने उसे अनाथ बना दिया है, तुमने। और तुम गुनाह करके माफी मांगने आए हो, हाँ क्या कर सकते हो तुम, हाँ क्या कर सकते हो, मेरे राज को जीता जागता मेरे सामने खड़ा कर सकते हो तुम, जिंदा लौटा सकते हो तुम राज को, लौटा सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एक्सीडेंट में कभी कभी पेशेंट के दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचता है कि उसकी याददाश्त या तो धुंधली हो जाती है या खो जाती है। मेडिकली इसे रेट्रोग्रेड एमनेशिया कहते हैं। ऐसे पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी बिताते हैं, अच्छे भले रहते हैं, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी याद नहीं रहती उन्हें। आपकी बेटी के साथ भी यही हुआ है, सीधे साधे लफ्जों में वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। डॉक्टर, बड़ी मुश्किल से हमने उसे यकीन दिलाया है कि आप उसकी माँ हैं। डॉक्टर साहब, उसकी याददाश्त वापस कब आएगी? दिन, महीने, साल भी लग सकते हैं, हो सकता है कि उसकी याददाश्त वापस ही ना आए, उसे सारी जिंदगी यूं ही गुजारनी पड़े, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे तो हम पुरानी बातों या यादों के सहारे पेशेंट की याददाश्त वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टिया की कंडीशन ऐसी नहीं है, उसके दिमाग पर पड़ा जरा सा भी दबाव उसे पागल बना सकता है, उसे ब्रेन हैमरेज हो सकता है, वो मर भी सकती है। इसीलिए आपको उसके पति की मौत और उसके बच्चे का वजूद उससे छुपाना होगा। यही नहीं, वो सारी बातें जो टिया के साथ जुड़ी हैं वो आपको मिटानी होगी। हो सके तो उसे किसी नई जगह ले जाइए जहां उसे कोई पहचानता ना हो, लेकिन उसे कोई भी पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश मत कीजिएगा, मिटा दीजिए उसकी सारी यादें। लेट नेचर टेक इट्स कोर्स।
जन्मदिवस के शुभ अवसर पर मां, मैं सोच रहा था कि इस साल टिया को कुछ देने के बजाय ले ही जाता हूं शादी करके। लेकिन तुम शादी के बाद भी टिया को इसी तरह से तंग करोगे क्या? बिल्कुल ऐसे ही। हाँ? आफ्टर ऑल यही हंसी मजाक तो जिंदगी है। हॉस्पिटल बहुत मजा आती है, रानी के माफिक पड़े रहो, सब लोग सेवा करते हैं, लेकिन मैं तो कभी बीमारी नहीं पड़ती। माजी प्लीज, माजी मेरी बात तो सुनिए, माजी प्लीज। जो नसीब में लिखा है वही छोटा है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। फिर भी तुम्हारा लॉस सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुआ। लॉस? पहली बार मौत को इतने करीब से देखा मैंने। ये हादसा मुझे पागल कर देगा माजी। प्लीज प्लीज बस। माजी एक मौका दीजिए मुझे प्लीज। मैडम, डॉक्टर ने पेशेंट को डिस्टर्ब करने से मना किया है। डिस्टर्ब? डिस्टर्ब तुम कर रही है हम दोनों को। ये तो मेरी डिग्री जैसी है, हम दोनों बहुत क्लोज है, क्यों टिया? लेकिन आप है कौन? क्या तुमने मुझको नहीं पहचाना? मिसेस भरूचा। मैं तुम्हारी टिया, ये मिसेस भरूचा है। मिसेस शर्मा, थैंक्स फॉर द री इंट्रोडक्शन, बट तुम हमको। मिसेस भरूचा, डॉक्टर मोदी आपसे मिलना चाहते। क्यों? आपसे कुछ पूछना है उन्हें। पूछना है? हाँ। चलो चलो टिया, चलिए ना, ऑफिस में है वो, मेरे साथ आइए। दूसरा टाइम ऐसा मजाक मत करना। दवाई ले लीजिए। ये क्या कह रही थी? पता नहीं क्या कह रही थी, आप दवाई ले लीजिए। ओह माय गॉड, मैं कुछ और बोल देती तो इधर कोई ना कोई उससे पुरानी बात याद दिलाएगा आज। और क्या सोच रही है माँ जी? मिसेस भरूचा सिर्फ एक प्रॉब्लम बता के गई है, और कई मुश्किलें आएंगी। मैं जानता हूं माँ जी, आपको मेरी शक्ल से नफरत है, जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। इस बुरे वक्त में मैं आपका साथ देना चाहता हूं, अपनी सारी जिंदगी आपके परिवार की देखभाल में गुजारना चाहता हूं मैं। बहन जी देखिए, जख्म इलाज से भरता है और दर्द बांटने से हल्का होता है। चाहते क्या हैं आप? सब कुछ भूलकर इसे माफ कर दूं? इसे सिर्फ टिया की आदाश वापस आ जाने तक मां जी, उसके बाद आप दोनों जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। बस मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए प्लीज माँ जी। ठीक है, तो आप मेरे बेटे को ये मौका नहीं देना चाहती। मत कीजिए उसे माफ, कीजिए अपनी मनमानी, बता दीजिए अपनी बेटी को सब कुछ और मार डालिए उसे। डैड, अरे मैं समझा रहा हूं, समझ। मैडम, कार एक्सीडेंट में लोग पैसे खिलाकर बात को दबा देते हैं, जख्मी या मरे हुए लोगों की जिम्मेदारी उठाने कोई आगे नहीं आता, लेकिन मेरे बेटे ने एक कदम उठाया है। मेरा बेटा अपनी जिम्मेदारी पे आप लोगों को यहां से दूर ले जाना चाहता है, ताकि कोई जान पहचान वाला आपकी बेटी की यादों को कुरेद कर उसकी मौत का कारण न बने। नहीं, लेकिन आप ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि आप तो मालिक है ना उन दोनों की जिंदगी की। देखिए, मेरे बेटे की गलती की वजह से राज की जिंदगी गई है, लेकिन आप अपनी जिद और अहंकार की वजह से अपनी बेटी भी गंवाएंगी। आप मेरे बेटे को माफ करे या ना करे, लेकिन अपनी बेटी और अपने नाती के भविष्य के बारे में तो सोचिए प्लीज। हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं टिया, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अनीता के घर। जब कार का एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हारे साथ अनीता और जय भी उस गाड़ी में थे। एक्सीडेंट में तुम्हारी याददाश्त चली गई और अनीता की जिंदगी। अनीता और जय का बेटा अंशु तुमसे बहुत प्यार करता है, मासी माँ जो ठहरी। तुम उसके पास रहोगी तो उसे माँ की कमी महसूस नहीं होगी, और डॉक्टरों ने भी कहा है। मैम जूस प्लीज। नई जगह जाओगी तो तुम्हारी तबीयत में भी सुधार आएगा।
इसलिए जय मैं अपने साथ ले जा रहा है। बस अंशु, अंशु, अंशु बेटा ये लो, बॉल, बॉल। दीजिए। अंशु, अंशु। आजा बेटा, आजा, 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 आजा अपनी मासी माँ के पास। और ले ले ले, आजा, उश, बबू, ओके राजा, आलल, आजा, 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 आजा। आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, माँ ने बताया। थैंक्स मत कहिए, प्लीज। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। सच तो यह है कि आपके गम के बारे में सोचती हूं तो अपनी तकलीफ बहुत छोटी लगती है मुझे। I'm sorry about Anita, but life has to go on, ना? Ladies and gentlemen, welcome to Cape Town. For your own safety, please remain seated with your seat belts fastened until the aircraft has come to a complete halt. Thank you. Hello, sir. Swami. Good morning. Good evening. Good morning, sir. Good morning. Welcome, madam. Welcome. ISIA at your service. ISIA? Okay, Indian service in Africa. Welcome to Cape Town, madam. मेरा पीए, स्वामी। ए, कैसा है हमारा छोटा बॉस है अनुज बेटा? How are you? स्वामी अंकल को नहीं पहचाना? ये अनुज नहीं, अंशु है। अंशु। ओह सॉरी, मैं गड़बड़ बोल गया। इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ कर बोलना चाहिए। सॉरी, कड़क है। सुना कड़क है। स्वामी तुम एक काम करो। तुम सामान अपनी गाड़ी में ले आओ। अच्छा। मैंने अपने साथ ले जाओ। ओके। टिया तुम ले लो। जी। दीजिए मैं। बाय बाय। I'll drive. You drive. Okay, sir.